नमस्कार दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कप पोहा। इसको मैंने अच्छे से साफ करके ले लिया है। अब इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में। अब इसको पीस लेते हैं, एकदम फाइन पाउडर बनाना है। अब पोहा पीस गया है, अब इसको डालेंगे एक बॉल में। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप बेसन। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा का मैंने कूट के लिया है, अब इसको भी डाल लेते हैं। 1/4 चम्मच के आसपास कूटा लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए, जितना तीखा खाते हो। अब इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसमें डालेंगे 2 कच्चे आलू, 2 मीडियम साइज का आलू था, मैंने इनको कद्दूकस कर लिया है, अब इनको भी डाल लेते हैं। नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसमें थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए 1/2 नींबू का रस डालेंगे। आप नींबू के रस की जगह 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के आसपास तेल। अब पानी डाल के मिक्स करेंगे। 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने खाली कप लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे जो पोहे का पाउडर है वो अच्छे से फूल जाए। ये जो डो अभी गीला लग रहा है, अभी गाढ़ा हो जाएगा। ढक देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब पोहा के डो को देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये डो गाढ़ा हो गया है। अब इसको हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटा की तरह गूंथ लेना है। अब इसको मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल आटा की तरह हो गया है। अब हाथ साफ करके नाश्ता बना लेते हैं। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, एक छोटा सा पोर्शन उठाएंगे नींबू के आकार का। आप साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको गोल करेंगे, हथेली की मदद से ऐसे गोल कर लेते हैं। ऐसे दबा देना है, बीच में ऐसे होल कर देंगे, जैसे बड़े बनते हैं ना उसी तरह से। ये देखिए कितना अच्छा बन गया। अब इसी तरह सारे बना लेंगे। चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में मैंने तेल रख दिया है गर्म होने को। अब गैस को मीडियम फ्लेम में कर लिया है, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें नाश्ता को डालते हैं। अब इनको थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद पलटेंगे, नहीं तो टूट जाएंगे। थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं, जिसे एक दूसरे पर चिपके नहीं। मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने कम तेल डाला है। आप डीप फ्राई करिए, ज़्यादा तेल डाल लीजिए। नाश्ता डालने के बाद गैस को मीडियम हाई फ्लेम में कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा पक गए हैं, अब इनको धीरे से पलट लेते हैं। अब इधर भी पक जाने देंगे। अब ये इधर भी पक गए हैं, अब फिर से पलट लेते हैं। इनको अलट पलट के गोल्डन होने तक सेक लेंगे। ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है।
अचानक कुछ अच्छा खाने का मन हो तो इस नाश्ते को आप तुरंत बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी अच्छे से पक गए हैं, अच्छा कलर आ गया है, अब इनको बाहर कर लेते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे जिससे इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अब इसी तरह सारे सेक के गर्मा गर्म परोसिए, एकदम मजा आ जाएगा खा के। ये बहुत ही टेस्टी कच्चे आलू का नाश्ता बनके तैयार है, आप भी बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसको आप टोमेटो सॉस, ग्रीन चटनी, जो भी चटनी आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कीजिए, सभी चटनी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।